आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम पिछले कई दिनों से जेल में बंद थे, लेकिन अब उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई है। लेकिन क्या पी चिदम्बरम को इस मामले में जमानत मिलने से उनकी मुश्किलें खत्म हो गई हैं? आइए जानते हैं एससी की किन शर्तों पर पी चिदम्बरम जेल से बाहर आए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आईएनएक्स मीडिया घोटाले में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी सशर्त जमानत दे दी है। पी चिदम्बरम को बेल तो मिल गई है, लेकिन राहत अब भी नहीं मिली है। अब भी 6 केस में चिदम्बरम को राहत मिलनी बाकी है। चिदम्बरम भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 106 दिन से तिहाड़ जेल में बंद है। 21 अगस्त को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के करीब 2 महीने बाद उन्हें बेल मिली थी, लेकिन इसके तुरंत बाद ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दोनों ही केस में जमानत के बाद अब चिदम्बरम जेल से रिहा होंगे। एससी की कुछ शर्तों पर पी चिदम्बरम को जमानत दी गई है। अदालत ने कहा है कि चिदम्बरम किसी भी तरह से गवाहों और सबूतों को प्रभावित नहीं करेंगे। वे इस मामले में मीडिया में कोई बयान और इंटरव्यू भी नहीं दे सकते। चिदम्बरम कोर्ट के आदेश के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। उन्हें बेल बॉन्ड के रूप में 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। इससे पहले ईडी की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। चिदम्बरम ने इस आदेश को चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत उन्हें भ्रष्टाचार मामले में भी बेल दे चुकी है। हाई कोर्ट में 15 नवंबर को सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया था कि चिदम्बरम जेल में रहने के बावजूद गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी तरफ चिदम्बरम ने कहा था कि जांच एजेंसी आधारहीन आरोप लगाकर उनका करियर और प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं कर सकती। इस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि जमानत लेना उनका अधिकार है, लेकिन अगर ऐसे मामले में जमानत दी गई, तो ये बड़े पैमाने पर लोगों के हितों के खिलाफ होगा, क्योंकि आरोप गंभीर प्रवृत्ति के हैं। गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ का फायदा पहुंचाने के मामले में सीबीआई ने 10 साल बाद मई 2017 में चिदम्बरम के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। फिर सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से बेल तो मिल गई है, लेकिन राहत अभी भी नहीं मिली है। पी चिदम्बरम अभी भी कंट्री अरेस्ट है। अभी भी मुश्किलें चिदम्बरम के इर्द गिर्द घूम रही है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।